जब ईमान लाए हो तो उसके तकाजे पूरे करो। तकाजे क्या है? ईमान है तो अमल दुरुस्त होना चाहिए, ईमान है तो जिहाद होना चाहिए, ईमान है तो जान और माल खपानी चाहिए। तो जो ईमान दूसरे लोग जिस तरह लाए हैं, हमजा भी तो ईमान लाए हैं, आखिर उनका रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अबू बकर ईमान लाए हैं, उनकी तरह ईमान लाओ। तो उन्होंने क्या कहा? अनोमिनो कमा आमना सुफहा। क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए? सफी का लफ्ज तो सभी जानते हैं, ये सुफहा किसे कह रहे हैं? आपने पढ़ा तो बहुत मर्तबा होगा इन आयात को, कभी सोचा किसको कह रहे हैं? वो अबू बकर को कह रहे हैं, वो हमजा को कह रहे हैं, वो उमर को कह रहे हैं। इनकी तो मत मारी गई, गर्रा हा उलाए तीनोहुम, इन्हें तो कोई होश ही नहीं। दो मर्तबा हजरत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइज इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है, जिसके सामने दुनिया है। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए, मक्के के चोटी के ताजरों में से थे, जो मलकुत तुजरा कहलाते, तुजार कहलाते। लेकिन अब वो रुपया कहां खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा, या वैसे ही खरीद लिया, आजाद कर दिया? अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। छह हैं गुलाम और कनीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद किया। ये रुपया तो पिघल रहा है ना, जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है, तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़कर गए। बूढ़ा बाप, अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी तीन नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों की। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद मोमिन, आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ये कौन है? तो तीन नस्लें जिसकी बयक वक्त रही हैं ईमान में, वो शाज लोग हैं, उनमें अबू बकर है। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे, तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, बीवी है, कुछ नहीं छोड़ के गए एक पैसा। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त गुस्से में है, बेचैताब में है, अब हमारा कौन वाली वारिस होगा, कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया कि नहीं? उनका हां अब्बा जान। क्या किया उन्होंने, कभी पढ़े हैं वाकयात? कुछ कंकर रोड़े लिए, एक कपड़े में पोटली बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया, देखिए दादा जान ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बा जान हमें ऐसे नहीं छोड़कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूं, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कोई अकलमंदी की बात है? अपने अपने गरीबानों में झांकी, आप ये अकलमंदी करेंगे? कहे चाहे ना, ये बात दूसरी है, लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अकलमंदी कहेगा। इसी तरीके से जब गज़वा तबूक का वक्त आया है, वो वाकया तो बहुत मशहूर है, हजरत उमर फरमाते हैं कि उस जमाने में मेरे पास इत्तेफाकन पैसा बहुत था, मैंने ये सोचा दिल में कि इस मरहले पर तो मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। मुसाबकत उनमें भी थी, लेकिन नेकी की मुसाबकत, खैर की मुसाबकत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मुसाबकत। तो मैंने सोचा कि मैं बाजी ले जाऊंगा। मैंने क्या किया, कुल दौलत जो थी उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर रखा और एक लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा कि उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि जी हां, निस्फ किया मैंने, निस्फ अल्लाह की राह में हाजिर है, निस्फ छोड़ाया। ठीक है, अब वो आए अबू बकर, पूछा हुजूर ने, अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि नहीं, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। यही है ना, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस, मुझे घर वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये काम जो है, तो ये जिनका हम इस वक्त जिक्र पढ़ रहे हैं मुनाफिकीन, उनके नजदीक हिमाकत थी या अकलमंदी थी, ये समझदारी थी या बेवकूफी थी? वो है जो बात कह रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ भले लोगों की तरह, जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं,
तो क्या कहते हैं, अनो मिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुम सुफहा वलाकिन ला यालमून। आगाह हो जाओ, असल अहमक ये है, असल बेवकूफ ये है, इन्हें नहीं पता कि हकीकत क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है। वो जो बात मैंने सूरतुल असर में बयान की थी, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीन आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। जिसके जहन और कल्ब पर यह सूरत कंदा हो जाएगी, उसके नजदीक अकलमंदी यह है कि सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दो। जिसके दिल में यह बात बैठी नहीं, उसके लिए अकलमंदी यह है कि बचा बचा कर रखो, छुपा छुपा कर रखो, संभाल संभाल कर रखो। अकलमंदी का उसमें तकाजा कुछ और, इसमें तकाजा कुछ और। लेकिन यहां भी फरमाया वलाकिन ला यालमून, इन्हें अभी इल्म नहीं है इसका। इससे पहली आयत में भी फरमाया वलाकिन ला यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा था, ये वो गैर शऊरी निफाक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले झूठा बहाना था, फिर झूठी कस्में हुई, फिर दुश्मनी हो गई सादिकुल ईमान, जो जान और माल लगा रहे हैं, निछावर कर रहे हैं परवानावार, अल्लाह पर, अल्लाह के दीन के ऊपर निसार कर रहे हैं अपने आप को, उनसे अदावत, उनसे दुश्मनी, उनका बुग्स, ये थर्ड स्टेज तक पहुंच गए। अब भी वो अपने आप को मुनाफिक नहीं समझते, वो समझते अकलमंद तो हमें, ये तो बेवकूफ है, हम हैं असल में। भाई समझ के चलना चाहिए, तेल देखनी चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए, दाएं बाएं देखना चाहिए, हिफाजत का भी ख्याल होना चाहिए। ये सारी चीजें तो अकलमंदी है ना दुनिया के एतबार से। तो वो तो उन्हें बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने आप को मुनाफिक कहां समझेंगे। चाहिए ठीक है भाई, दीन भी चाहिए, लेकिन दुनिया की फिक्र भी चाहिए कि नहीं, ये आप कहते हैं कि नहीं कहते। ये तो बात आपने बहुत दफा सुनी, भाई ठीक है दीन भी होना चाहिए, लेकिन दुनिया भी तो होनी चाहिए कि नहीं। ये है समझ दुनिया की, ये हमारे मेयारात हैं। यही वजह है कि दीन जलील से जलील तर हो रहा है। दीन, वो जो मैंने हाल ही के अशआर सुनाए थे कि पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उभर ना देखे, माने न कभी के मद है हर जज़र के बाद, दरिया का हमारे जो उतर ना देखे। ये दरिया चढ़ा कब था, जब सहाबा किराम ने वो फेनेटिसिज्म, जिसको आज हम कहेंगे, उसका जब मुजाहरा किया, उसका सबूत दिया, दामे दिरमे सुखने जान माल तन धन सब लगा दिया, तो अल्लाह के दीन में बहार आ गई, रौनक आ गई, दीन का गलबा हो गया। और जब हम अपने समझ समझ कर रखेंगे, तो जाहिर बात है कि उसका तो फिर जो हशर होगा वो वही। दीन में कमजोरी, हमारी दुनिया जो है फल रही है, फूल रही है, दीन जो है वो कमजोर होता चला जा रहा है। ये है थर्ड स्टेज इस निफाक की, कि जिसके बाद अब कोई इम्कान वापसी का नहीं होगा। ये गैर शऊरी निफाक, जान लीजिए कि ये नहीं है कि माजी ही माजी में था, अब इसका कोई इम्कान नहीं, ये ना समझिए। अब भी ये निफाक जो है, ये मैं बता दूं आपको, एक आम आदमी है, दीन का तकाजा ही सामने नहीं है, उसे पता ही इतना है कि अल्लाह के दीन का तकाजा नमाज रोजा, वो नमाज रोजा कर रहा है, उस पर निफाक का हमला नहीं होगा। उसको आप कह दें कि उसकी समझ कम है, उसका शऊर कम है, उसे पता नहीं है, दीन के तकाजों से वाकिफ नहीं है, वो बचा हुआ है, वो महफूज है। वो जो मैंने आपसे कहा था परसों, और एक साहब ने जवाब दिया मुझे बाद में कि आज आपने जो बात कही है तो कल लोग कम आएंगे, आपने डरा दिया कि ये जो तकाजे दीन के सामने आ रहे हैं तो इससे जिम्मेदारी बढ़ रही है। अब जिसने समझ लिया है फिर पीछे रहे, वो निफाक के खतरे में है। जिसे समझ ही नहीं है वो फिर भी कोई ना कोई उज्र पेश कर सकेगा कि अल्लाह इन मौलवियों से पूछ जिन्होंने हमें बताया नहीं, इन्होंने तो दीन के तकाजे हमें ये बताए नहीं, इन्होंने तो हमें नूर और बशर में चक्कर दे के लड़ाए रखा, इनसे पूछ। असल मुजरिम जो है वो ये है, वो वाकया ये है कि किसी दर्जे में बचेंगे, कि दीन चाहता क्या है, दीन के तकाजे क्या है, तौहीद की हकीकत क्या है, शिर्क की हकीकत क्या है, इसकी तरफ अगर तवज्जो ही नहीं दिलाई जा रही, और उस गरीब को पता ही नहीं, उसे पता ही सिर्फ ये है कि खड़े होकर सलाम पढ़ने में इतना फायदा होता है, वो पढ़ रहा है बेचारा, लिहाजा उसका मामला आसान है बनिस्बत उस शख्स के जिसके समझ में आ गया हो, बात उसने पाली हो, दीन ये चाहता है, दीन अपना गलबा चाहता है। अल्लामा इकबाल ने गालिब पर एक जो नज़म लिखी है बागे दरा में है, उसका एक शेर बड़ा प्यारा है, गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पजीरे शाना है, शम्मा ये सौदाई ये दिल सोजी ये परवाना है। ये दीन जो है ये तो चाहता है कि अहले ईमान परवाना वार इस शमा पर निसार हो जाए, जाने लगा दे,
گردنے کٹوا دے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے, قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج, سیکنڈ سٹیج, تھرڈ سٹیج, وہاں پہنچ گئے, واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح, تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی, ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے, سورہ عنکبوت, اور ایک آیت ہے سورہ حج کی, وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے, اس قدر پیاری آیت ہے, دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی. سورہ حج 17 پارے میں ہے, نصف کے بعد شروع ہوتی ہے, اور اس کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. ایک ہے منجھار میں کودنے والے کہ ہر جباد آباد ماں کشتی درا بنداختے, جیسے کہ تاریخ نے کیا تھا, ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا, ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی. یہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے, کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے. تاریخ جمر کنارہ اندلس سفینہ سوخت, گفتند کارے تو جو رہے عقل و خرد خطاست. دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی. لوگوں نے کیا یہ تاریخ کیا کیا, عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے. عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل سنبھل کر چلو, جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپسی کا کوئی سوال نہیں. اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی, جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو.